कैसे हो आप सभी। गाइस सबसे पहले यार आप लोगों को थैंक यू, आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आज तक जितने भी वीडियो बनाई अपने चैनल पे, सारी वीडियोस में मैंने कमेंट पढ़ा है कि भाई मैंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, मैंने 10th पास किया है, 12th पास किया है, क्या आप ये बताओ इन पर कोई जॉब्स हैं कुवैत में या नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूँ काफ़ी सारे जॉब्स हैं जो आप 10th और 12th के बाद कर सकते हो कुवैत में, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। उस पर कितनी सैलरी मिलती है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, जो कुवैत की फैक्ट्रीज़ हैं उनमें मैक्सिमम जॉब्स होते हैं जो आप 10वीं और 12वीं बाद कर सकते हो। कुछ जॉब्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, अगर आपको पसंद है तो करना, नहीं करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैं आपको पहले शेयर कर देता हूँ और सैलरी बता दूंगा कितने तक सैलरी मिलती है और कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। पहले रिक्वायरमेंट सुन लो, उसके बाद सैलरी बता दूंगा, ठीक है। पहला रिक्वायरमेंट है आप मिनिमम 10th पास होने चाहिए, 50% मार्क्स हो आपके कम से कम, ठीक है। इतने तो कम पढ़े लिखे नहीं होंगे कि 50% मार्क्स ना हो आपके, 50% मार्क्स हो, 10th पास होने चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज, आपका मेडिकल परफेक्ट हो, शरीर में किसी प्रकार कोई कमी ना हो, हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा फिट होने चाहिए आप, ठीक है। क्योंकि ये जो 10th और 12th काफ़ी हेल्पर्स के जॉब होते हैं, और अभी बताऊँगा कौन कौन से जॉब्स हैं, काफ़ी हेल्पर्स के जॉब होते हैं, काफ़ी एज अ लेबर वर्क होता है तो उस पर थोड़ी मेहनत पड़ती है, तो इसलिए वो आपका फिजिकल फिटनेस काफ़ी देखते हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना। थर्ड चीज़, आपका जो 10th और 12th की डिग्री है, अगर आपके ऊपर कोई केस क्राइम ऐसा कुछ होगा तो उस पर रेड साइन लग जाता है, तो ये चीज़ ध्यान देना कोई ऐसा केस क्राइम ना हो आपके ऊपर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट जरूरत पड़ता है जो आप बनवा लोगे, फटाफट बनवा लो, उसके लिए कोई ज़्यादा वेट करना नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से जॉब्स हैं। आप फैक्ट्रीज में एज अ पैकेजिंग वर्क कर सकते हो, एज अ हेल्पर वर्क कर सकते हो, लेबर का काम कर सकते हो, लोडिंग वर्क कर सकते हो, ये सारे काम आपको 10वीं और 12वीं बाद आराम से मिल जाते हैं। और भी अगर सैलरी की बात करें तो आप 40 to 45,000 रुपये लगभग, आप 10-15,000 रुपये अगर खर्च भी कर दो आपको 30,000 रुपये आराम से बच जाते हैं, इंडियन रुपीज़ बात कर रहा हूँ कुवैत में, ठीक है। ये बेसिकली छोटी सी वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, डाउट तो कमेंट करो। बाय बाय, हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।